और बढ़ते हैं आगे, कुछ राजनीति की बात करेंगे। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मार्च में चुनाव होना है और इसके लिए इसकी रिक्त होने वाली सीटों में बीजेपी के पास अभी तक 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है। बीजेपी के पास 163 विधायक है, कांग्रेस के पास 66 विधायक है। 39 विधायक एक राज्यसभा सदस्य को चुनेंगे, जबकि भाजपा से अजय प्रताप सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। डॉक्टर एल मुरुगन का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के राजमणि पटेल का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें अब इन चुनावों में क्या कुछ स्थिति रहेगी आगे ये भी देखना अहम होगा। और रिक्त होने वाली सीटों में 4 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के सांसद के पास है। और अब जबलपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां मेडिकल कॉलेज डीन को एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गुस्सा करते हुए